भारत स्थिति। पिछले कक्षाओं में आप भारत मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र चित्र 1.1 को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम दक्षांशों को तथा सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्र मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। परिवर्तन के लिए बाक्स देखिए। मानक मील 63,360 इंच, समुद्री मील 72,960 इंच। एक मानक मील बराबर लगभग 1.6 किमी यानी 1.584 किमी। एक समुद्र मील बराबर लगभग 1.8 किमी यानी 1.824 किमी। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम कितने बड़े अक्षांश और देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय अक्षांशीय देशांतरी विस्तार का गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2,933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है? इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 राष्ट्रीय शैक्षिक यानी NCERT 2006 के अक्षांश देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 3 को देखें। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंधी में है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृति जलवायु मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पतियों में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी भागों के बीच समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करता है। अतः आप भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित हैं। मानक याम उत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वीय राज्यों में जैसलमेर की तुलना में 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूरब में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थिति जैसलमेर, भोपाल तथा अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसी समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानक यामोत्तर गुजरती है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। भारत का राजनीतिक मैप श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का लेह, हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्तराखंड, देहरादून, हरियाणा और पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, राजस्थान, जयपुर,
बिहार पटना, झारखंड रांची, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, और कर्क रेखा से गुजरे त्रिपुरा अगरतला पश्चिम बंगाल। ये कर्क रेखा 24 डिग्री के जस्ट नीचे से गुजरते हुए मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात, गांधीनगर, दमन, दीव, दादर और नागर हवेली, दीव, दादर व नागर हवेली, सिलवासा, महाराष्ट्र, मुंबई, छत्तीसगढ़ रायपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, तेलंगाना हैदराबाद, यनम पांडिचेरी, पणजी गोवा, कर्नाटक, बेंगलोर आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, पुडुचेरी कारिकल, पांडिचेरी केरल, माहे पांडिचेरी, करावती लक्षद्वीप, तिरुवनंतपुरम, इधर नीचे लटका हुआ श्रीलंका, काले रंग वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बीच में डॉट डॉट वाले तो राज्य सीमा, इधर पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और अंडमान और निकोबार द्वीपों समूह। पैमाना 0 से 2000 से 400 600 किलोमीटर पर दर्शाता है। नीचे हिंद महासागर, भारतीय राजनीतिक मानचित्र। ये काला सागर टर्की, साइप्रस, सीरिया, स्वेज नहर, तेहरान, लीबिया, इराक, कैस्पियन सागर, अरेल सागर, कजाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कराची, ईरान, सऊदी अरब, खाड़ी, ओमान, यनम, कराची, स्वेज नहर, मिस्र, लाल सागर, सूडान, अफ्रीका, इथोपिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, जायरा, तंजानिया, जेम्बिया। वायु मार्ग काले रंग वाले अड्डा डाल वाले समुद्री मार्ग दिखाए गए हैं। अरब सागर, भारत, लक्षद्वीप भारत का। नीचे हिंद महासागर से श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चेन्नई, अंडमान और निकोबार द्वीपों समूह। बंगाल की खाड़ी, बैंकॉक, थाईलैंड, फिलीपींस, महासागर, म्यांमार, कलकत्ता, मुंबई, भारत, दिल्ली, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जापान, टोक्यो और कर्क रेखा 20 डिग्री से इधर से और 20 डिग्री इधर से बगल में गुजरती हुई दिखाई गई है। पूर्वी जगत में भारत की स्थिति चित्र 1.2। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत से बड़े देशों के नाम याद हैं? आकार, भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसे बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में अनावच्छित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां हैं, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर की से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बेलन, सिपिकिला, नाथुला तथा बोम डीला जैसे कुछ पहाड़ियां दर्रे को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्र पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से जैसलमेर से मणिपुर, राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपको अपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। तो एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं।
क्या आपको याद है स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है जो जो देश के प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीएससी इसरो की एक पहल है। आप भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं https://www.http://www.nrsc.gov/in/mhrd/nCERT। भारत एवं उसके पड़ोसी भारत की स्थिति मानचित्र चित्र 1.2 की जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और पश्चिम और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत। इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्र वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाइए। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। खाड़ी तथा जल संधि में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किसी प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है।